हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज भैया आपका ARO का पेपर था, तो एक बार उसको देख लो। इसके जो है आपके आंसर जो होंगे वो जो है अलग से वीडियो में बता दूंगा। अभी जो ये टिक लगा रखा है इसको जो है बच्चे ने लगाया है, ठीक है, ये सही है नहीं है इस पर अभी नहीं देखेंगे आप। केवल जो है आप क्वेश्चनों को देखिए। और देखो, मैंने आपको बोला था जिस दिन पेपर होगा उसके अगले दिन मैं बताऊंगा कितना मेरे नोट से आया कि नहीं आया, उसको आप खुद ही देख सकते हो। देखो, बच्चे ने पेपर दिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सर सारे क्वेश्चन जो हैं नोट से ही मिल गए हैं। और ये क्या है, मुमकिन है बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार अगर GS, मैं आपको GS पढ़ाता हूँ, उसमें जो है आपके अगर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हटा दें तो 140 में से कितने, 140 में से जो हैं आपके जो है 120 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए, 140 में से जो है 120 क्वेश्चन जो है आपके किससे हैं, GS से। और 120 में से 112 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नोट से, मैं आपको काउंट भी करवा दूंगा। अभी एक बार फटाफट देख लो। देखो, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ाई थी इस पेज पे, जो भी चीज़ें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो। अब ऐसा इतना अच्छा पेनिट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि मैं भैया आपको पूरे सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाता हूँ अपने लेवल पे, अन अकेडमी पे, ठीक है। और जब सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। ये धारवाड़ा वाला क्वेश्चन ही कराया था, इसका तो भैया हमने पूरा एक वीडियो बनाया था इस क्वेश्चन का। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, इसमें बता दो भैया कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बताया गया था। नृत्य गोपाल दास का बताया गया था, नहीं बताया था, एकदम ऐसा का ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि कौन किस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कौन नहीं है। तो आपको इधर आंसर में इसमें नहीं जाना है, ये बच्चे ने भेजा है, जिसने भी भेजा है। ऑस्कर अवार्ड मैंने बताया था, नहीं बताया था। पैरासाइट खेलो इंडिया का मैंने बताया था, केवल केवल उसका पूछेंगे कहां ये हेल्ड होगा, पूछा नहीं पूछा क्वेश्चन। डोनाल्ड ट्रम्प और ये सेम क्वेश्चन मैंने बनाया था, सीनेट वाला। अब देखो T20 ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो रहा है, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, इंटरनेशनल गांधी प्राइज, 5 स्टार 7 स्टार, सारे आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो। जबकि अभी करंट अफेयर की हमारा पूरा बैच खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से आए। एक कोई बच्चा काउंट करता रहे, ये तो भैया मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसे मैं हटा देता हूँ। मैं केवल कहाँ से कहाँ तक काउंट कर रहा हूँ भैया आपका, 120 में से कितने क्वेश्चन आए और 120 में से 112 क्वेश्चन आए पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर किसी क्वेश्चन आए तो मुझे बताना इतने, ठीक है। ना कोई बड़ा वीडियो बनाया, ना कोई मैंने आपको समरी बताई, ना कुछ बताया। मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाता हूँ, और पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन जल्दी होता है, ना कि जो है पेपर से पहले 10-15 दिन पहले छोटे मोटे वीडियो दे देना, पापा वीडियो दे देना, ये दे देना, वो देना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप ये देख लो, ये तो आपकी मैथ हो गई। फिर आप दो रीजनिंग देख लो डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी वाइज, यूट्यूब के वीडियो में आपको देख सकते हो। जो मैंने आपकी पूरी प्रिपरेशन 5 टास्क में बताई थी उसमें भी देख लो। इसमें कोई सा ऐसा क्वेश्चन GS का दिखाओ जो नहीं है, इस वाली स्लाइड में दिखाओ जो उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं कराया हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जो है इफको वाला हो गया, क्राफ्ट म्यूजियम हो गया, सारे क्वेश्चन कराए, ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। केवल 8 क्वेश्चन नहीं कराए, और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 120 में से 112 क्वेश्चन आ जाना। सीधा का सीधा देखो, ये भी आपको ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, क्लियर। आप देखो ग्रीन बॉन्ड का भी पूरा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में करा रखा है, भैया कहता था 5 के 5 टास्क को जो है कंप्लीट कर लो, लेकिन आपको क्या लगता था कि यूट्यूब में बड़े बड़े वीडियो है वहां जाओ उनको देखो, ठीक है। ये वांगला फेस्टिवल, इसको क्लेम नहीं कर रहा हूं, तो वो एक क्वेश्चन है जो हमारे नोट से नहीं आया है, ठीक है, जो नहीं आया तो नहीं आया, क्लियर। लेकिन 120 में से 112 क्वेश्चन आना अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप देखो रमसार, ये सब विटामिन, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा क्वेश्चन था। लाठी क्लब भी नहीं पढ़ाया था, तो 2 क्वेश्चन होगा जो नहीं आए थे। फिर उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो नहीं आया था, ठीक है। केवल 8 क्वेश्चन है जो नहीं आए, बाकी सारे क्वेश्चन आए, ये सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे थे मैंने आपको। रज्जनामा तक बता रखा है ऐसा का ऐसा, भैया दिल खुश हो गया वो आप लोगों का पेपर करते समय। देखो कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं होता, कोई 3-3 4-4 घंटे का वीडियो नहीं होता, आपको 6-7 महीने लग के पढ़ना होता है, और मैं आपको लग के पढ़ाता हूँ और सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। देखो इसमें से कोई सा ऐसा क्वेश्चन दिखा दो जो है आपका कहते हैं नहीं किया गया हो। एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 57 पे पहुंच गया। ये भी देख लो, ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कराया है। देखो ये तो मैंने बताया भी था, क्या आपका डिपॉजिट जो है कितने लाख तक का इंश्योरेंस होगा। उस समय आप सोच रहे थे सर ये करंट अफेयर का कैसे आ जाएगा, ये UPSC लेवल का है, देखो ARO लेवल में क्वेश्चन आ गया। आप खुद देखो मिलाने वाला, ये भी मैंने आपको ऐसा कराया था। RBI वाला भी मैंने आपको ऐसा कैसा क्वेश्चन कराया था। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे नोट से ही पेपर बन रहा है। और यही बात नहीं, इसमें हंसी मजाक की बात नहीं है, अभी 11 अक्टूबर को पेपर होगा ना, उसमें 135 क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। ये बड़ी बड़ी चीजें आपको क्यों अजीब सी लगती हैं, इसलिए लगती हैं क्योंकि आप कंप्लीट कुछ पढ़ते नहीं हो। 7-7 8-8 महीने अगर कंप्लीट
कंप्लीट कोर्स पढ़ो ना तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप क्या करते हो शॉर्ट कट की तरफ भागते हो, मानसून भी पूरा बताया और उसके बाद क्या लगता है अगर कोई क्लेम करता है कि 112 क्वेश्चन तो आप हंसी मजाक उड़ाओगे, इसमें उल्टे सीधे कमेंट करोगे, लेकिन है तो है ठीक है। और मैं आपको PDF भी दिखा दूंगा कुछ दिनों बाद कि 2-3 दिन बाद कि अदरकेडमी मैंने किस दिन कौन सा लेक्चर पढ़ाया था, कौन सा क्वेश्चन आया था ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये प्रेरक वाला नहीं कराया था तो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए जो मैंने नहीं कराया। अब 3 क्वेश्चन और आने वाले हैं, ये सब संकल्प वलकम और चित्रकूट ये सब करा रखा है, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये वाला तक क्वेश्चन करा रखा है मैंने आपको, 78 क्वेश्चन तक आ गए, आराम से देखते रहो। पद्म विभूषण वाला भी क्वेश्चन करा रखा है आपको, जाके देखो। मदर लैंग्वेज मैंने बोला था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज ही आने वाली है, देख लो वही क्वेश्चन आया छपा हुआ। ऑपरेशन वनीला, अब आपको क्या प्रूफ चाहिए यार, इससे ज्यादा क्या प्रूफ लोगे, आप खुद सोचो यार। 84 क्वेश्चन तक आ गए हो, ये थोड़े मैथ के क्वेश्चन है तो उनको हटाओ ठीक है। मैथ जिस दिन पढ़ानी शुरू कर दी तो फिर 100% पेनिट्रेशन हो जाएगा ठीक है, मैथ और रीजनिंग छोड़ देते हैं। लेदर पार्क वैसा का वैसा क्वेश्चन, हायर एजुकेशन काउंसिल एक ये कहो गया 6ठा क्वेश्चन, 6ठा या 7वां जो भी है जो हमारे नोट से नहीं आया, बाकी ये सारे क्वेश्चन आ गए, 96 तक पहुंच गए। ये तक क्वेश्चन कराया मेला वाला, जाके देख लो भैया। बक्सा ट्राइब भी कराई है, एडिशनल जज भी कराया है, ये मिलाने वाला भी कराया रखा है, MSP भी करा रखा है, WTO का, मनरेगा भी करा रखा है, इंक्रीज बैंक रेट, कैश रिजर्वेशन सब देख लो, मैंने आसानी से देख लिया पेपर, आप आराम से देखो। फिर उसके बाद जो है अब नवरात्रि को सरस्वती पूजा वाला क्वेश्चन, ये हमने नहीं कराया, तो ये हो गया भैया 7 क्वेश्चन जो हमारे नोट से नहीं आए हैं, क्लियर। आगे बढ़ते रहो, ये स्टेटोस्फीयर सब कुछ आ रखा है, एक एक डायग्राम बना के सिखाया है, प्लास्टिक बैग भी सिखा रखा है ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका हींग ये भी करा रखा है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में जाके देखो आराम से, अंग्रेजों का सफलता मिली ये भी करा रखा है, ये भी करा रखा है, रंपा पावना सब करा रखा है, खलीफा भी बता रखा है मैंने कि अपने आप को खलीफा घोषित करा था, याद है ना ठीक है। इधर जो टिक लगे इन पे मत जाओ, आप इधर देखो ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है गलत भी हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे क्लियर। अभी आप देखो कि भैया देखो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, कुछ वहां पे आपकी भगवान की भी गलती होती है, कन्फ्यूजन में भी रहता है, लेकिन आप देखो पेनिट्रेशन है कि नहीं नोट्स का, पूरी ईमानदारी से देखो, कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, गेहूं का मामा होता है ना, फेलिसस माइमर तो है ही ठीक है। फिर मटर जो है प्याजी, बरसीम जो है कासनी, ये सब मैंने आपको करा रखा है, एक बार डिसीज वाले में जाके देखो ठीक है। 500 कंपनी में कौन आया था ये भी करा रखा है, रिव्यू रिपोर्ट ये वाला भी मैंने आपको करा रखा है ठीक है। फिर उसके बाद जो है लखनऊ डिफेंस एक्सपो, इस पे तो हमने 7 स्टार लगा था, मगर छपा हुआ क्वेश्चन से कोई हटा ही नहीं सकता, देखो क्वेश्चन आया छपा हुआ, और ये UPPCS 11 अक्टूबर को भी दिखेगा क्लियर। अब देखो ये जो है आपका यूनियन बजट लिस्ट में मैच द फॉलोइंग करना है, जब मैं आपको पढ़ाता था तो कि रुपया कहाँ गया, रुपया कहाँ आया, तो मैं कहता था परसेंटेज याद करो, तो आप मुंह सिकोड़ते थे, अब सिकोड़ो मुंह, वो क्वेश्चन सीधे आ गया ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज ये भी करा रखा है, फिर उसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन मैंने माही वाला करा रखा है, ग्रेट डिविडेंड 1921 ये भी करा रखा है, तुलबुल को कैसे याद करा था, जेल से भागी बुलबुल ऐसे कराया था ना ठीक है ना, तो जेल से भागी तो इसका क्या होगा, जेल मतलब जेल से भागी बुलबुल, जे से झेलम, तो ये इधर गलत कर रखा है बच्चे ने, इसमें झेलम आंसर होगा, ये मैंने गाने से याद रखा है। रियन डाम ये सब मैंने करा रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक बता रखा है भैया कब स्थापना हुई थी, पूरा क्वेश्चन है। ये मिलाने वाले भी मैंने आपको करा रखे हैं, ये मैंने आपको एटलस जब कराई थी तब कराई, लॉरेन रूर ब्रिस्टल सैक्सोनी औद्योगिक फील्ड सब करा रखे हैं, जाके देखो वहां पे। और ये हो गया भैया आपका क्या कहते हैं 140वां क्वेश्चन पूरा ठीक है, तो कुल मिला के फिर देख लो, ऑडिटेटेड है, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 120 क्वेश्चन मोटे माटे अगर GS में से हैं तो भैया 112 क्वेश्चन जो है आपके आए हैं, या ऐसे बोल लो 112/120, इतना अच्छा पेनिट्रेशन पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का हो तो बता देना, विथ नोट्स हैं क्लियर। अगर आप बोलोगे तो इनकी आपको PDF भी मिल जाएगी, किस दिन कौन से लेक्चर से क्या कराया गया। अगला हमारा टारगेट रहेगा 11 अक्टूबर को, जिसमें हमने गारंटी दे रखी है 135 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 आपके नोट से आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से पढ़ा रहा था, अब अक्टूबर आ गया, 10 महीने पढ़ाया तो कैसे नहीं आएंगे यार। आप समझो आप क्या करते हो, एक एक दो दो जो महीने के पीछे भाग जाते हो, यूट्यूब के वीडियो के पीछे भाग जाते हो, भैया उससे सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लग के 1 साल, तब जाके ये एग्जाम निकलेगा ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ, बाकी आंसर की चाहिए होगी तो हम आपको आंसर की इसकी प्रोवाइड कर देंगे। इसमें जो टिक लगे हैं वो आंसर नहीं मान के चलिए, क्योंकि अभी अभी बच्चे ने करा है पेपर और मुझे तुरंत भेज दिया। अब सेकंड हाफ में आपका हिंदी का पेपर होगा, उसको आसानी से दीजिए। कुल मिला के हमारे भैया नोट्स जो हैं क्या हैं, वी विल विन, हम जीत गए हैं 100%, 112 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं।
ठीक है, हिंदी में पढ़ाता नहीं हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ और कंप्लीट अन अकेडमी में पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो भैया एमकेएस लाइव रेफरल कोड लेके मेरे कोर्स से जुड़ जाओ। और ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा भैया, जब मुझसे जुड़ना है तो भैया फीस तो जमा करनी पड़ेगी। अब आप देख लो, चाहे आपको 12 महीने की 6300 रुपये फीस अच्छी लगती है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ पढ़ाया जाता है, या केवल जो है 1000 से लेके 1.5-1.5 लाख मार्केट में बर्बाद करते रहते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कैसे आपको एडमिशन लेना है, अगर चाहो तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बस हमारे रिकॉर्ड देखते रहो, हर बार हमारे रिकॉर्ड ऐसे बनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।